नमस्ते मित्रों, सभी को जय श्री राम। आज हम जानेंगे इंग्लैंड में मुसलमानों ने हिंदुओं पर बरसाया कहर, पुलिस के सामने ही घटनाएं। हिंदू भले सेक्युलर का चोला ओढ़कर घूमता रहे लेकिन कहीं सुरक्षित नहीं है। सदियों से हमला हिंदुओं पर होते आए हैं और वे सहन करते करते पलायनवादी बन जाते हैं, जाति पाति में बट जाते हैं। अपने साधु संतों में आस्था नहीं रही है, अपनी संस्कृति की महानता भूल गए हैं, इसलिए आज हर जगह पर हिंदू पर हमले होते जा रहे हैं। एशिया कप में 28 अगस्त को भारत और पाकिस्तान आमने सामने थे। इस मैच में पाकिस्तान को भारत के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद से मुस्लिमों के अंदर गुस्सा भरा हुआ था। इसके बाद जब 4 सितंबर को पाकिस्तान ने भारतीय क्रिकेट टीम को हरा दिया तो यूनाइटेड किंगडम के लिस्टर शहर में मुस्लिमों ने बड़ी संख्या में इकट्ठा होकर हिंदुओं और उनके घरों की पहचान करके हमला किया था। इस हमला के चलते अगले 3-4 दिनों तक 7 सितंबर 2022 तक हिंसक घटनाएं सामने आ रही थी। हिंदुओं को टारगेट कर उन पर हुए इस हमले के विरोध में शुक्रवार को शाम हिंदू 16 सितंबर हिंदुओं ने प्रदर्शन किया था, लेकिन शांति मार्च कट्टरपंथी इस्लामवादी को पसंद नहीं आया, जिसके बाद हिंदुओं के विरोध प्रदर्शन इस हमले से हिंदुओं पर कांच की बोतलें तक फेंकी गई थी। यह नहीं, इन कट्टरपंथियों को हिंदुओं से इतनी नफरत थी कि उन्होंने पुलिस के सामने ही भगवा ध्वज का ही अपमान किया था। इसके बाद हिंदुओं पर एक फिर हमला करने के उद्देश्य से शनिवार 17 सितंबर को लीसेस्टर में हजारों की संख्या में इस्लामी हमलावर इकट्ठा हुए। इस बार भी इस्लामवादी ने प्रतीक चिन्हों के सहारे हिंदुओं की पहचान करते हुए हमला किया है। इस हिंसा की आग में लीसेस्टर एक बार फिर जल रहा है और इस्लामी कट्टरपंथियों के निशाने पर हिंदू थे। स्थानीय हिंदू संगठन इनसाइट यूके, जो जहां हिंदुओं के मुद्दे उठाता है, ने ऑफ इंडिया से बात करते हुए कहा कि 6 सितंबर लीसेस्टर के हिंदुओं के खिलाफ हमलों की लगातार तीसरी रात थी। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में मुस्लिम सैकड़ों पर सड़कों पर उतर आए थे। ये सभी हिंदुओं घरों की पहचान ओम भगवा झंडे भगवान गणेश की तस्वीरें आदि से कर रहे थे। जिस घर में इन्हें हिंदू प्रतीक चिन्ह दिखाई देता था उस पर ये हमला कर रहे थे। इन हमलों के बाद क्षेत्र का प्रत्येक हिंदू भय के साए में जी रहा था। ठीक ऐसे ही पैटर्न 17 सितंबर को हुए हमले में भी देखा गया। 17 सितंबर को भी हिंदुओं की पहचान कर उन पर हमले किए जा रहे थे। इस हिंसा के दौरान इस्लामी वादियों द्वारा एक सफ़ेद कार पर हमला किया गया था, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर बड़े पैमाने पर शेयर किए गया था। इस वीडियो में इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ एक हिंदुओं की कार को घेर लेती है। शुरुआत में तो भीड़ ने ड्राइवर की सीट का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हुए कार को पीटना शुरू किया, लेकिन जैसे ही दरवाज़ा खुला उन्होंने हिंदू ड्राइवर को बाहर खींच लिया और उन्हें बेरहमी से पीटा। हिंदू ड्राइवर पर हमला करने के बाद इस्लामीवादी द्वारा खुशी मनाने के कई वीडियो भी सामने आए हैं। इससे में एक ट्विटर अकाउंट
इटैचुइना ने लाफिंग इमोज के साथ वीडियो ट्वीट किया था। ड्राइवर पर हुए इस हमले को लेकर इनसाइट यूके ने ऑफ इंडिया से कहा कि ड्राइवर को सिर्फ इतना पीटा गया क्योंकि वह हिंदू था। ठीक इसी प्रकार लिसेस्टर में एक अन्य व्यक्ति ने भी फेसबुक पर कहा कि इसलिए हमला किया गया क्योंकि उसके कार में डैशबोर्ड पर भगवान गणेश की तस्वीर थी। इस्लामीवादी द्वारा हिंदुओं पर किए गए इस हमले को लेकर लिस्टेड पुलिस का कहना है कि पूर्वी लिसेस्टर के कुछ हिस्से में शनिवार शाम को रविवार शाम तक गंभीर अवस्था का अनुभव हुआ है। प्रशासन ने कहा है कि हालत काबू करने के प्रयास किए जा रहे हैं और शहर में शुरू हुए विवाद से लेकर अब तक 27 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इन घटनाओं से सबक सीखकर एक हो जाना चाहिए, अपने धर्म गुरुओं के प्रति आस्था बढ़ानी चाहिए, अपनी संस्कृति के लिए तन मन धन से योगदान देना चाहिए, तभी सुरक्षित रह पाएंगे। जय श्री राम।